हेलो स्टूडेंट, वी आर प्रेजेंटिंग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप पार्ट वन। जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे विद्यार्थी हैं, जो जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, उनके लिए भी और जो घर में बैठे हैं अभी, उनके लिए भी 12 अकाउंटेंसी हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जो सिलेबस से रिलेटेड, मार्किंग स्कीम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, जो छोटी छोटी बातें हैं, उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, अब आपका 11th, अब 11th में आपने क्या सीख लिया? जनरल एंट्रीज, ट्रेडिंग, पीएनएल अकाउंट आपने पूरा पढ़ लिया, पूरा स्टडी कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, अब हम आगे हम 12th में कहां आ गए? 12th में पास हो गए सर, हम 12th में आ गए हैं। चलिए खुश हो जाते हैं, खुशी लेना है, ठीक है, पॉजिटिव रहना है। आप और हम, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, इस माध्यम से हम जुड़े रहेंगे। ठीक है, ठीक, तो समझ में आई बात? कुछ भी हो, ये माध्यम तो है हमारे पास। ठीक है, इसके थ्रू आप मेरे से और मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं। अभी मुझे लग रहा है कि मेरे जो बच्चे हैं, जो मेरे विद्यार्थी हैं, वो मेरे सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट वाइज क्या करनी है, स्टडी करनी है, उसकी क्या प्लानिंग होगी, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो खुश हो जाइए, आज से हमारा 12th का सिलेबस स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो 12th का सिलेबस स्टार्ट हो गया, आपको क्या करना है, आपको क्या प्लानिंग करनी है, उससे पहले हम सिलेबस को थोड़ा सा थ्रू आउट अपन देख लेते हैं क्या है। जैसा आप सबको पता है कि जो हमारा पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, लेकिन ये 100 मार्क्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, 80 मार्क और 20 मार्क। ठीक है, ये 80 मार्क का आपका पेपर कंडक्ट होगा, सीबीएसई कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, अब इस 80 मार्क में पार्ट ए जो फर्स्ट चैप्टर है आपको, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका वेटेज कितना है 10 मार्क। उसके बाद है पार्टनरशिप सेकेंड यूनिट, जिसका वेटेज कितना है 30 मार्क का। अब इसमें क्या है, चैप्टर्स हैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, मतलब बेसिक जो है पार्टनरशिप का वो है। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, तो ओवरऑल जो है 30 मार्क का हम स्टडी करेंगे अभी। ठीक है, 2 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा बेसिक आपको बता दिया जाए। ठीक है, 30 मार्क का वेटेज है, 30 ध्यान सुना आप लोगों ने, 30 मार्क का वेटेज है। आगे आते हैं कंपनीज अकाउंटिंग 20 मार्क का, ये हमारा पार्ट ए है। आपका जो पेपर रहेगा वो दो पार्ट में आएगा, मतलब पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, पार्ट सी भी रहता है जो कंप्यूटर से रिलेटेड रहता है, लेकिन हमको पार्ट ए पार्ट बी अटेम्प्ट करना है। तो ये तो हो गया, कितने मार्क का पार्ट ए अगर काउंट करें तो टोटल 60 मार्क्स का पार्ट ए, 60 नंबर का, 60। पार्ट बी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस 12 मार्क का और कैश फ्लो 8 मार्क का। अब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी हम बाद में बताएंगे। ठीक है, इसमें भी दो चैप्टर हैं जो जिनकी मार्किंग अलग अलग है, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये 12 और 8 कितने हो गए, 20 मार्क्स हो गए। 60 20 बच्चों बताओ कितना हुआ, बचाओ बताओ भैया। हाँ 80 मार्क, बिल्कुल सही है, 80 होगा आंसर, आप पूछ के रहो, 60 और भी 80 होता है, ये लीजिए 80 मार्क का, 80 मार्क का पेपर रहेगा। ठीक है, अब 20 मार्क्स, तो 20 मार्क्स का आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल वर्क होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल में क्या होगा, 12 मार्क का आपका रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, जो स्कूल होगा, ठीक है, सीबीएसई के थ्रू कंडक्ट होगा। ठीक है, टीचर आएगा, 4 मार्क का आपका प्रोजेक्ट फाइल, ये आपको स्कूल से मिलेगा, और 4 मार्क का क्या होगा, वायवा होगा। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल आएगा वो आपसे रिटर्न टेस्ट और वायवा लेगा, और आपको फाइल क्या करनी, प्रिपेयर करनी, इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो 20 मार्क्स और 80 मार्क्स। ठीक है, तो करें जीत की तैयारी, शुरू करें, जीत की तैयारी करनी है।
ठीक है, नेगेटिव एटमॉस्फियर, नेगेटिव जो माहौल बना हुआ है इसको छोड़ो, उसको मत देखो, ठीक है, पॉजिटिव देखो। पॉजिटिव क्या है? तो आज हमारा पॉजिटिव क्या है, आज हम अपना 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, श्री गणेश कर रहे हैं। चलिए करें स्टार्ट, आज प्लानिंग बता देते हैं, दो मिनट अभी और लूंगा, फिर हम अपने सिलेबस पे आते हैं। देखिए हमको प्लानिंग क्या करनी है, अगर हम इसी माध्यम से जुड़े रहे, ठीक है, टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है उसी से अपन अगर क्या करें, स्टडी करें, तो बिल्कुल स्टडी कर सकते हैं, 100 मार्क्स ला सकते हैं। अभी मैं आपको 100 मार्क्स का बताया, ये पूरा हम कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो माहौल कैसा भी हो, कुछ भी हो, मैं आपसे जुड़ा हूं, मैं आपकी हेल्प के लिए रेडी हूं। आपको केवल क्या करना है, ध्यान से, लगन से, डेडिकेशन के साथ वीडियो को देखना है, सुनना है, समझना है और अपनी स्टडी करना है, ठीक है। तो आपका जो प्लान रहेगा वो क्या रहेगा, देखिए अब आपने बुक्स ले ली है क्या, चलिए नहीं भी ली है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको पूरे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में भेज दूंगा, लिंक में नीचे शेयर कर दूंगा, लिंक पे जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, आपको हर चैप्टर के जो थ्योरिकल प्लस प्रैक्टिकल जो नोट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने नोट दे दिया, पीडीएफ दे दिया, उसी को प्रिंट आउट कर रहे हैं, उसी को पढ़ रहे, नहीं, साथ में जो मैं बताऊंगा उसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना होगा, आपको नोट्स भी प्रिपेयर करना है, मैं तो दूंगा ही दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको नोट्स क्या करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, ध्यान से सुनिएगा। तो आपको क्या करना है, 2 रजिस्टर मेंटेन करना है। कितने रजिस्टर मेंटेन करेंगे आप, कितने, कितने भैया, 2। सर 2 क्यों, बिल्कुल सही बात है, 2 क्यों, तो हम पहला जो रजिस्टर मेंटेन करेंगे वो थ्योरी कॉन्सेप्ट्स का रजिस्टर होगा। इसमें मैं आपको जो भी थ्योरी बताऊंगा चैप्टर वाइज, जो जो बोर्ड पे लिखूंगा वो आपको लिखना है। तो सर लिखेंगे कैसे, अरे भैया यार कैसी बात कर रहे हो, जब मैं लिख लूं वीडियो पोस्ट कर देना, लिख लेना, लिखना हो जाए तो आगे बढ़ जाना, ठीक है, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, ठीक है, ठीक, हाँ, अरे इतना भी नहीं हंसना है भैया, ठीक है, नहीं तो पता चला सर ने बोला हंसो, अकेले में हंस रहे हैं, ठीक है, फिर घर वाले हंस क्यों रहा है, ठीक, तो लिमिट में है ना, ठीक। आगे थ्योरी कॉन्सेप्ट, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए एक्चुअली क्या होता है, जब हम क्या करते हैं थ्योरी स्टडी करेंगे तो उसका रजिस्टर अलग होना चाहिए कॉन्सेप्ट का, और प्रैक्टिकल जो रजिस्टर होगा, जो प्रैक्टिस रजिस्टर होगा, अलग होना चाहिए। क्यों ऐसा, क्योंकि जब हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे तो क्या हम क्वेश्चंस देखेंगे क्या, हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट वाइज एक मटेरियल होना चाहिए, इसको स्टडी कर लिया तो हमारा हो जाएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस तो किए हुए, लास्ट मोमेंट पर स्टूडेंट को क्या चाहिए, थ्योरी कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है वो, तो उसका रजिस्टर आप अलग मेंटेन कीजिए और जो प्रैक्टिस रजिस्टर हो अलग मेंटेन कीजिए, ठीक, आई बात समझ में, समझ में आया प्लान क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्यों, समझ में आ गया, अरे उधर उधर क्या देख रहे हो, आपसे ही बात कर रहा हूं, हाँ आपसे, आपसे ही, ठीक है, समझ में आ गया, क्या आया, 2 रजिस्टर, कितने, 2, ठीक, पहला कौन सा, हाँ पहला कौन सा, हाँ राजू कौन सा, हाँ वो बोल रहा भैया पहला सर कॉन्सेप्ट रजिस्टर, दूसरा कौन सा, दूसरा प्रैक्टिस रजिस्टर। अब जो प्रैक्टिस रजिस्टर है वो तो करना ही है, प्रैक्टिस करते रहना है ना। एक और बात का ध्यान रखिएगा आप, कि जब आप प्रैक्टिस करें तो डेली करना है, डेली करना है, मतलब ऐसा नहीं आज कर लिया सर कल आप नहीं करते, सर मेरे को तो आता है, अरे ये क्वेश्चन तो मेरे को आता है, तो भैया जब भी मन में ऐसा विचार आए ना तो क्या करना, क्या करोगे कि मेरे को आता है प्रैक्टिस नहीं करूंगा, है ना, नहीं, तो आप क्या करना, क्या करोगे जब ऐसा मन में विचार आ जाए ना, तो देना एक अपने आप को धड़ धड़, नहीं भैया प्रैक्टिस आपको रोज करनी है, ठीक है, क्यों करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो आपको हैबिट हो जाएगी, आपका समय बचेगा। मन में विचार कभी मत लाना कि मैं अकाउंट्स में सब कुछ आता है, नहीं, प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है, तो डेली आपको प्रैक्टिस करना है, क्लियर है इतना। तो फिर से ये आपको आप नोट कर लीजिए, अगर आपको नोट करना हो, ठीक है, टोटल 60 मार्क्स का आपका पार्ट ए है,
20 मार्क्स का पार्ट बी है, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, ये हो गया 100 मार्क्स। हमारी प्लानिंग क्या रहेगी, रजिस्टर मेंटेन करना है, थ्योरिकल एंड प्रैक्टिकल। क्लियर है इतना? ठीक है, अब हम आते हैं अपने सब्जेक्ट पर। तो उससे पहले अगर आपने ध्यान से देखा हो, ध्यान से क्या, सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? अरे सर 30 लिखा है तो इसका ही होगा ना, कैसी बात करते हो। तो इसमें स्टार लगा दिया मैंने, क्यों लगा दिया, 30 मार्क्स है, 30 कितने 30, तो 30 मार्क का वेटेज है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप से, ठीक है। तो आ जाइए इस तरह, तो पार्टनरशिप से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। चलिए आपने लिख लिया, ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप, ठीक। आप सोच रहे सर कहाँ चले गए, तो मैं इसलिए हट गया, मैंने नोट तो कर लो आप। चलिए तो पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, कितने मार्क का है, 30 मार्क, ठीक है। तो 11th में क्या पढ़ा आपने, आपने पढ़ा 11th में सोल प्रोप्राइटरीशिप, मतलब सिंगल, मतलब क्या रहता है, अकेला व्यापारी रहता है, वो अपना कैपिटल इन्वेस्ट करता है, ठीक है, और मैनेजमेंट करता है और खुद ही प्रॉफिट लेता है, ठीक है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप। जब क्या करेगा ये जो पर्सन है, ठीक, ये पर्सन है, दिख रहा है, हाँ, ये दूसरे पर्सन से क्या करे, अपने हैंड्स क्या कर ले, ज्वाइन कर ले। जैसे जैसे अभी मैं और आप, ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं, स्टडी के लिए क्या कर रहे हैं, हैंड्स क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो वैसे ही एक सोल प्रोप्राइटरशिप क्या करे, अपने मित्र से, अपने सखा से क्या करे, क्या करे, क्या करे, क्या करे, हैंड्स क्या कर ले, ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो वो जो हैंड्स क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप, ठीक है, है ना। अब इसको पहले लिख लेते हैं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, क्या है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वर्कमन वन मार्क में आता है एग्जाम में, ठीक है। तो पार्टनरशिप ठीक है क्या है, अब लिख लेता हूं फिर समझा दूंगा मैं आपको, है ना। तो इट इज, है ना, पहले क्या लिख रहे हैं अपन, दो मिनट, है ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, सेक्शन 4 किसका, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, लिखते जाइए साथ में अगर पॉसिबल हो, वैसे मैं रुकूंगा आपके लिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मैं इसको बॉक्स में क्लोज कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि अभी वन मार्क का क्वेश्चन पूछ लेता है कि पार्टनरशिप में कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है, तो क्या बोलोगे, सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वन मार्क का आ सकता है, इसमें क्वेश्चन बनेंगे, ये स्टडी कर लेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा। तो क्या है पार्टनरशिप, इट इज रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस, इट इज रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु आर एग्री टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट ऑफ सच बिजनेस
विच कैरिड बाय वन और ऑल, समझते हैं ठीक है ना। कौन सा सेक्शन? फोर। कौन सा एक्ट? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। वन मार्क में आ सकता है ठीक है, डेफिनेशन पूछ सकता है वन मार्क में। तो इट इज अ रिलेशनशिप, मैंने भी क्या बताया कि ए और बी, मान लो ये है ये बी है, ये दोनों क्या है? पर्सन है। क्या कर रहे हैं? हैंड्स क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं। हमने किया कि नहीं किया है? स्टडी कर रहे हैं ना। हाँ, तो हमने, मैंने और आपने अपने हैंड्स क्या कर लिए? ज्वाइन कर लिए। तो आपके और मेरे बिटवीन क्या है? रिलेशनशिप। वैसे इस सोल प्रोटोनशिप में किससे ज्वाइन कर लिए हैंड्स? इससे। तो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, तो इनके बिटवीन द रिलेशनशिप। क्यों किया है ये रिलेशन? ठीक है, तो वो आर एग्री टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। तो क्या करेंगे? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसका प्रॉफिट? किससे होगा? बिजनेस से, ऑफ सच बिजनेस, बिजनेस से करेंगे ऑब्वियसली। विच कैरिड बाय वन और ऑल। अब इसको थोड़ा सा मैं ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं। सर ये क्यों किया तो थोड़ा आगे में बताऊंगा। बिजनेस कैरी किया, अब कैरी क्या मतलब? या तो कोई एक करेगा, कोई एक बिजनेस हैंडल करेगा, या दोनों करेंगे ठीक है। अब आपको ये एज इट इज लिखना है, जो वर्डिंग्स हैं इसको एज इट इज लिखना है, क्योंकि ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। तो जो एक्ट की लैंग्वेज होती है उसमें आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है, आपको ये बाय हार्ट लर्न करना है। सर और बताओ, समझ में आया तो सही, चलिए ठीक है, रिलेशनशिप है, थोड़ा और बताइए, थोड़ा और डीप में जाइए। चलते हैं इसको और डीप में समझते हैं ठीक है। तो ये जो पर्सन हमने बनाए हैं, ये पर्सन क्या करेंगे भैया, है ना? इसको अगर हम थोड़ा और एलिबरेट करें, मतलब तीन मार्क में आ जाए तो क्या तीन मार्क मिल जाएंगे क्या हमको? नहीं, डेफिनेटली तीन मार्क में आ जाए ठीक है। थोड़ा और एलिबरेट करें अपन इसको, तो क्या होगा इसमें? इसमें भैया क्या होगा? क्या होगा? समझे? समझते हैं। ये इसे क्या करेगा? अभी बताया था हैंड्स क्या करेगा? ज्वाइन करेगा। लेकिन जब ये पर्सन इससे हैंड ज्वाइन करेगा, ये इससे ज्वाइन करेगा, तो फिर क्या करेंगे? ये दोनों रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे। उस रिलेशनशिप बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप, मतलब आपसी सहमति से क्या करेंगे ये उस बिजनेस में, क्योंकि भैया देखो पैसे के बिना तो कुछ नहीं होना है यार, सही है कि नहीं है? तो दोनों क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? म्यूचुअल रिलेशनशिप, आपसी सहमति से कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, और फिर क्या लगाएंगे? एफर्ट्स। तो एफर्ट जब तक नहीं लगाएंगे तो भैया प्रॉफिट कहां से होगा? तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कैपिटल लगाया, कैपिटल के बाद आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, तब जाकर प्रॉफिट होगा। फिर प्रॉफिट को क्या करेंगे? जैसा भी मैंने बताया डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप समझे, है ना? बहुत बढ़िया, आ रहा है ना समझ में? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो ये पर्सन से हैंड ज्वाइन करेगा, कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, दोनों एफर्ट्स लगाएंगे। लिखा हुआ बिजनेस विच कैरिड बाय वन, हो सकता है एक एफर्ट लगाए एक नहीं लगाए, डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी कैटेगरी है ना। तो एफर्ट्स लगाएंगे, फिर एफर्ट्स लगाएंगे तो प्रॉफिट अर्न करेंगे, और प्रॉफिट अर्न करने के बाद उसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा ठीक है, तो अब उस पूरे सिनेरियो को अगर हम अपने ओन वर्डिंग्स में अगर डिस्क्राइब करें तो कैसे कर सकते हैं ठीक है, क्योंकि अगर हमको एलिबरेट करना है ठीक। तो यहां पर देखें, क्या ये अपने आप से हैंडशेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मजा नहीं आएगा यार, है ना? ये दोनों हैंडशेक कर रहे हैं, है ना? ऐसा लगता है कि अपने आप से आदमी में, तो ये जॉइंट हैंड्स करेंगे। तो कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है? कितने? हाँ कितने? हाँ किसी ने बोला क्या बोला? सर कम से कम दो तो लगेंगे। ठीक है, कम से कम ठीक है, बिल्कुल सही है ना, जिसने जवाब दिया ना भैया, बहुत बढ़िया ठीक है। तो हम अगर अपने वर्ड्स पे डेफिनेशन लेंगे तो क्या लिखेंगे? When two or more than two persons are agree to do, देखना ध्यान से देखना नहीं है ना, to do a ठीक है। अब जरा मैं इसको इनवर्टेड फॉर्म में लिख रहा हूं, जरूरत नहीं है लेकिन लिख रहा हूं, लॉफुल
बिजनेस, अरे सर ये लॉफुल क्यों लिख दिया आपने? अरे बिजनेस तो लॉफुल होना चाहिए ना, क्यों? अगर इलीगल बिजनेस करेंगे तो पार्टनरशिप कैटेगरी में नहीं आएगा, वो बिजनेस ही नहीं है, ठीक है? तो बिजनेस के सामना चाहिए, ऐसा थोड़ा नहीं है कि कर लिया भैया स्मगलिंग कर ली है ना, कुछ गैर कानूनी काम कर लिया तो उसको बिजनेस नहीं मानते हैं, और उसमें जो रिलेशनशिप है उसको पार्टनरशिप भी नहीं बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल। तो व्हेन टू और मोर देन टू पर्संस आर एग्री टू डू अ लॉफुल बिजनेस विथ म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड विथ म्यूचुअल रिलेशनशिप, ठीक है, बाय, मैंने क्या बताया, क्या करेंगे, कैपिटल लगेंगे एफर्ट, बाय एम्प्लॉइंग कैपिटल एंड एफर्ट्स एंड एग्री टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन सर्टेन रेशियो, इन सर्टेन रेशियो, ठीक है, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड पार्टनरशिप। ऐसा भी ले सकते हैं द होल रिलेशनशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप, ऐसा कर लेते हैं, इन सर्टेन रेशियो। देन अपने वर्डिंग से लिखनी है, आपको खुद बनाना है डेफिनेशन। देन होल रिलेशन, अभी बताया था ऊपर कि रिलेशन होता है, द होल रिलेशनशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप, ठीक है। तो अभी हमने जो पढ़ा देख लेते हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन से हैंड्स ज्वाइन कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु आर एग्री टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट ऑफ सच बिजनेस, ऑफ सच बिजनेस विच कैरीड बाय वन और ऑल, ये पर्सन कैपिटल एफर्ट्स प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ कीवर्ड्स हैं, उसको ज्वाइन करके हम अपने जो देखिए क्या रहता है कि आपने डेफिनेशन तो लिख लिया स्टैंडर्ड डेफिनेशन, लेकिन उसको अपने वर्ड्स में अगर एलेबरेट करते तो हमारी मार्किंग अच्छी होगी, ठीक है। तो अपने वर्ड्स में उसको एलेबरेट कर लिया, लिख लिया, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप किसी बुक से या मेरे नोट्स जो है उसमें और भी आपको डेफिनेशन मिल जाएंगी, ठीक, अलग अलग जो ऑथर्स रहते हैं, ठीक है, वो भी आप स्टडी करना। देन आपको क्या करना है, कंक्लूसिव, कंक्लूसिव मतलब ना स्टडी करने के बाद आपने क्या सीखा उसको अपने वर्ड्स में लिखकर आप मुझे भेजना, ठीक है भैया, भेजोगे कि नहीं भेजोगे, भेजना, ठीक है, अपने वर्ड्स, आपको क्या समझ में आया, है ना, तो उसको मैं क्रॉस चेक कर लूंगा, है ना। तो व्हेन टू और मोर देन टू पर्संस आर एग्री टू डू अ लॉफुल बिजनेस, टू और मोर देन टू पर्संस आर एग्री टू डू अ लॉफुल बिजनेस विद म्यूचुअल रिलेशनशिप बाय एम्प्लॉइंग कैपिटल एंड एफर्ट्स एंड एग्री टू डिस्ट्रीब्यूट क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रॉफिट इन सर्टेन रेशियो, देन होल रिलेशनशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप। नोट कर लीजिए, कैसे नोट करोगे भैया, पोस्ट कर लो और लिख लो, हट जाओगे थोड़ा सा, हट जाता हूं, लो लिख लो, है ना, पोस्ट करो, लिख लो, नोट्स बना लो, ठीक है, आपको नोट मिल भी जाएंगे, बहुत बढ़िया, लिख लिया। चलिए अब थोड़ा आगे बात कर लेते हैं, है ना, एक मिनट साइड में बोर्ड ड्रॉप कर लूं, है ना, दो सेकेंड। चलिए आगे हमें वापस, है ना, तो ये तो आप नोट कर ही चुके हैं, अब आगे इसके आगे भी है, बिल्कुल, है ना, ठीक, तो इसके अब आगे क्या है सर, आगे और है ना, रुको, बैठो, पोज कर लो, पानी वानी पी लो, वीडियो को पोज कर लो, पानी वानी पी लो, है ना, रास्ता वास्ता कर लो, ठीक है, एक पानी की बोतल हमेशा रखा करो जब भी वीडियो देखो, ठीक है, मैंने भी रखी हुई है ना, तो क्या रहता है पानी पीने से, फिर क्या रहता है, क्या रहेगा, आप बोतल अगर पास में रखोगे ना तो ह्यूमन नेचर होता है, वो बार बार उठाएगा, पीएगा पीएगा, और पानी बहुत जरूरी है, गर्मी भी बढ़ गई है ना,
तो पानी पीते रहना चाहिए। चलिए अब आगे बात करें, है ना। अब सर ये तो बता दिया कि रिलेशनशिप है, ये सब बता दिया आपने पार्टनरशिप। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में आती है, है ना, पूछी जाती है, तो उसको अपन नोट डाउन कर ले, है ना, थोड़ा सा और क्लियर अप करना, है ना। चलिए अब इसको हम देखें, भैया यहीं हटा दिया तू, चलिए जेब में रख लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ चलिए, अब जो पार्टनरशिप में हाँ आपने लिखा था सर, पर्सन लिखा था आपने, आप बोल रहे पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में पार्टनर है, पार्टनर वर्ड तो यूज ही नहीं किया। तो भैया देखो क्या होता है, हु मतलब पर्सन, ठीक है, मतलब हु मतलब कौन, पर्सन की बात हो रही है, हु इंगेज इन रिलेशनशिप, या जो क्या कर रहे हैं, रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, है ना, ठीक, और वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जो पर्सन आपने रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं पार्टनर। क्या बोलेंगे, पार्टनर, ठीक। और जो पार्टनर है, ये पार्टनर है, ठीक है, आप देख सकते हैं पार्टनर, ठीक है, ये खुश हो रहे हैं भैया कि हमने क्या कर लिए हैं, हैंड्स क्या कर लिए हैं, ज्वाइन कर लिए हैं। तो जो हैंड्स ज्वाइन कर लेते हैं ये सब, और तो उस इंडिविजुअल को, ये इंडिविजुअल को हम क्या बोलेंगे, ईच इंडिविजुअल विल कॉल्ड, जो भी रिलेशनशिप में है, ठीक है, इट ईच इंडिविजुअल विल कॉल्ड पार्टनर, ठीक है, क्या बोलेंगे, पार्टनर ईच इंडिविजुअल, और कलेक्टिवली, ये जो कलेक्टिवली है, जो पार्टनर है, ठीक है, इस कलेक्टिवली जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फर्म, क्या बोलेंगे, फर्म, ठीक है। अब फर्म का कुछ ना कुछ क्या होगा, नाम होगा, ठीक है, उस नेम के अंदर क्या करेंगे ये पार्टनर्स, क्या करेंगे, वर्क करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो जो नेम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेम ऑफ फर्म, ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं आती है एग्जाम में, ठीक है। तो पर्सन हु आर एंगेज इन द रिलेशनशिप, ठीक है, जो एंगेज है रिलेशनशिप में उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल, ईच इंडिविजुअल विल कॉल्ड पार्टनर, एंड कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड फर्म, ठीक है, और किसी ना किसी नेम के अंदर वर्क करेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेम ऑफ फर्म, क्लियर है, कर लो नोट, है ना। तो पार्टनर इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड पार्टनर, फर्म कंबाइंडली दे आर कॉल्ड फर्म, और जिस हेड के अंदर ये वर्क करेंगे, जिस नाम के अंदर ये क्या करेंगे, वर्क करेंगे, ठीक है, जैसे युवान, ठीक है, तो युवान के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ईच इंडिविजुअल मतलब मैं कौन हूं, ईच इंडिविजुअल पार्टनर, कलेक्टिवली जो होगा उसको बोलेंगे फर्म, और जिस फर्म का नाम है वो क्या है, युवान, तो नेम ऑफ द फर्म क्या हो जाएगा, युवान। आई बात समझ में, क्लियर है, अब और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वन मार्क में इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि जो इंडिविजुअल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली जो वर्क करते हैं उसको क्या बोलते हैं, और जिस नेम के अंदर वर्क करते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो यहां से वन मार्क के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो हम देखते नहीं है, नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। तो वन वन मार्क के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई हो, ठीक, दोनों में वन वन मार्क के क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए अब आगे, है ना, अब हम डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप के फीचर्स, ठीक है। तो पहले मैं लिख लूं फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आई बात समझ में, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा अपन मसाला डाल देते हैं इसमें, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, थोड़ा सा अपन फ्लो चार्ट बना लेते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है ना, है ना, पी लो भैया पानी वानी पी लो, ठीक है, तब तक मैं नोट कर रहा हूं, है ना। तो टू और
मोर देन टू पर्सन्स, ये पहला हो गया फीचर। दूसरा सर क्या है, बिल्कुल लिख रहे हैं, बिल्कुल लिख रहे हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा बिजनेस, दूसरा क्या है, दूसरा है भैया लॉफुल बिजनेस, लॉफुल बिजनेस, ठीक है। लॉफुल बिजनेस के बाद क्या सर, बिल्कुल लिख रहे हैं, एक और ये दो हो गए, बनाते चलिए साथ में, आप बनाते चलिए, है ना। फिर एक वन बाय वन में इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर म्यूचुअल एजेंसी, बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको अपन एक्सप्लेन करेंगे अभी दो मिनट में, ठीक है। चलिए ये क्या हो गए, कितने हो गए सर, तीन हो गए, है ना, पांच लिखेंगे हम, है ना, थोड़ी जगह कम है, मिटा दूंगा इसको, नोट कर लिया है, कर लो नोट नहीं किया हो तो। चलिए इसको एडजस्ट कर देता हूं मैं, है ना, टू और मोर देन टू पर्सन, लॉफुल बिजनेस, म्यूचुअल एजेंसी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी बड़ा मजेदार सब फीचर है, इसलिए एक्सप्लेन करेंगे ना, ठीक है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एक दो तीन चार, ये चार हो गए सर, है ना, पांचवा भी लिख दीजिए सर, जगह कम है, दो मिनट लिख देता हूं, है ना, नोट कर लिया ना आपने, हाँ चलिए ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पांचवा, कैपिटल, ठीक, ये हो गया पांच, तो अब आ जाते हैं वन बाय वन, ठीक है, वन बाय वन सर क्या है ना, इधर आ जाता हूं मैं, ठीक। पहला क्या है सर, टू और मोर देन टू पर्सन, ठीक है बच्चों, क्या है टू और मोर, जैसा कि हमने देखा कि ये अकेला था, ये अकेला था, इन दोनों ने मर्ज कर लिया अपने जॉइंट्स, तो कितने पर्सन है, टू और मोर देन टू, तो मोर देन कितने हो सकते हैं, एक लाख हो सकते हैं, एक लाख, दो लाख, दस हजार, बीस हजार हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, चलिए चलिए हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बहुत सारे हो सकते हैं कि नहीं, बुक मत खोलो, वैसे बिना बुक खोले बताओ, हाँ क्या बोल रहे हो, नहीं हो सकते सर, कितने हो सकते हैं, कितने, पचास, वेरी गुड, फिफ्टी, है ना, तो मैक्सिमम जो लिमिट हो सकती है, मैक्सिमम जो लिमिट हो सकती है सर, कितनी हो सकती है सर, पचास होगी सर, है ना, तो ये वन मार्क का एक और क्वेश्चन आ गया कि मैक्सिमम लिमिट ये वन मार्क का, ठीक है, नोट करते जाइए सर, ये वन मार्क का आएगा, ये फीचर्स जो आएंगे, अरे बताने बोलिए हमें ये सर, भैया बच्चों ये तीन मार्क का आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, तीन मार्क फीचर्स लिखने के लिए, ठीक है, अब उसके अंदर भी वन मार्क के कभी पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, वन मार्क का जो सेंटेंस में आएगा तो पूछ लेगा वन वर्ड में, ठीक है, तो टू और मोर देन टू पर्सन मैक्सिमम लिमिट कितनी है, पचास, वन मार्क में आ सकता है, अब समझ में आ गया, है ना, अब ये जो है अभी डिस्कस किया था कि लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, तो बहुत इजी है, लिख सकते हो कि लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, भैया स्मगलिंग कर लेंगे, चोरी चकारी कर लेंगे, और उसमें भैया पार्टनरशिप बन जाएंगे, तो क्या वो पार्टनरशिप होगी क्या, नहीं, बिजनेस क्या होना चाहिए, लॉफुल होगा तब जाकर क्या होगा, पार्टनरशिप वैलिड होगी तब जाकर उसको पार्टनरशिप बोलेंगे, तो लॉफुल बिजनेस इतना कुछ खास है नहीं, कि इसमें क्या होगा, जो पर्सन्स क्या कर रहे हैं, जॉइंट्स कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, जो लीगल है, जो बिजनेस क्या है, लीगल है, उस बिजनेस के लिए वो क्या कर रहे हैं, अपने हैंड्स क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, पेन थोड़ा भरा हो गया, चलिए कोई बात नहीं है, दूसरा पेन ले लेंगे, है ना, चलिए अब म्यूचुअल एजेंसी, अरे बहुत पढ़े आप, है ना, इसको समझना, देखिए अभी हमने बात किया, क्या बात किया, कि पार्टनर जो इंडिविजुअल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर, लेकिन इस पार्टनर के दो रोल होते हैं, जुड़वा, दो रोल कितने हैं, है ना, ठीक, कौन सी जुड़वा, सलमान खान वाली, फिर अभी एक मूवी आई थी, कौन सी आई थी, है ना, तो जुड़वा कौन सी, सलमान खान वाली थी, और ये कौन सी आई थी भैया,
कौन सी आई थी? अरे अपने वरुण भैया की आई थी, आई थी कि नहीं आई थी? आई थी। तो पार्टनर दो रोल प्ले करता है भैया, है ना बच्चों? कितने? दो। उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल और एजेंट। ठीक है, प्रिंसिपल कौन होता है? प्रिंसिपल कौन होता है? जिसके लिए कोई काम करे। और एजेंट कौन होता है? जो किसी और के लिए काम करे। इसने अपना वर्क किसको दे दिया? इस पर किसी पर्सन को अगर दे दिया तो जो पर्सन किसी और पर्सन को वर्क अलॉट करता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, और जो उस वर्क को करता है उसको हम बोलते हैं एजेंट। अब जो पार्टनर है वो क्या भी हो सकता है? प्रिंसिपल भी हो सकता है और एजेंट भी हो सकता है। सर कैसे? तो इधर देखो, मैंने क्या बोला था, ये तीनों क्या है? ये तीनों कहां है भैया? ये पार्टनर है, इंडिविजुअल है ईच पार्टनर। अब अभी फिलहाल ये तीनों ही प्रिंसिपल है, लेकिन मान लो कि इसका जो काम है, ये जो काम है, ये बोल रहा मैं बीमार पड़ गया हूं सर, मैं नहीं आऊंगा आज, मैं नहीं आऊंगा, अवकाश ले रहा हूं। तो इसने क्या बोला? क्या बोला इसने? कि मेरा काम भैया तू कर ले, तू देख ले। तो इसका काम कौन देखेगा? ये भैया देखेंगे। तो जब ये भैया देखेंगे तो ये हो जाएंगे एजेंट। कौन हो जाएंगे? एजेंट हो जाएंगे। और जो ये भैया होंगे जो नहीं है घर पे आराम कर रहे हैं, वो हो जाएगा प्रिंसिपल। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। ध्यान से समझ में आया? तो म्यूचुअल एजेंसी, एजेंसी रिलेशनशिप क्या है कि एक पार्टनर क्या भी हो सकता है? प्रिंसिपल भी हो सकता है, और एक पार्टनर क्या भी हो सकता है? एजेंट भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? कैसे हो सकता है? समझ में आया? अब मान लो किसी दिन ये बीमार पड़ गया, इसने इसको काम दे दिया, तो ये एजेंट हो जाएगा, जबकि एक दिन पहले ये प्रिंसिपल था। अब क्योंकि ये वर्क इसका ये वर्क हैंडल कर रहा है तो ये एजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पार्टनर जो है, इंडिविजुअल जो है उसको पार्टनर बोलेंगे। पार्टनर कितने रोल? दो रोल, एक प्रिंसिपल और एक एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट, क्लियर है कॉन्सेप्ट? कि अगर ये इसको वर्क अलॉट कर रहा है तो ये तो घर पर बैठा है, तो ये वाला जो पर्सन है ये इसके लिए काम करेगा, तो ये हो जाएगा एजेंट। और जिसे वर्क अलॉट कर दिया, अपना अपना टेंशन दे दिया, तू कर आज, मेरी तबीयत खराब है, मैं तो आराम करूंगा आज, ठीक है ठीक है, कूलर लगाऊंगा और आराम करूंगा, थोड़ी तबीयत खराब है, तो ये आराम कर रहा है, तो ये कौन है? इसने इसका वर्क इसको दे दिया, तो ये प्रिंसिपल और ये एजेंट। तो म्यूचुअल एजेंसी कभी कभी बदमाश में पूछ लेता है कि प्रिंसिपल कौन है, एजेंट कौन है, एग्जांपल के तू एक्सप्लेन करो, तो एक्सप्लेन कर देना कि मान लो एबीसी पार्टनर है, अब किसी दिन एक ही क्या हो गई, किसी कारणवश तबीयत खराब हो गई, नहीं आ पाया, तो ए ने अपना वर्क किसको दे दिया? बी को। बी बोला भैया आज मैं कर लूंगा, आराम कर लो, ठीक है बहुत जरूरी आराम करना, तो बी कौन हो जाएगा? एजेंट। और ए कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? जल्दी बताओ, प्रिंसिपल। और बी कौन? एजेंट। तो ये समझ में आ गया म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप? ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा विचित्र फीचर, ध्यान से समझना। मैंने लिखा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, तो अभी किसी ने बोला सर लॉस भी तो हो सकता है ना, उसका क्या करोगे? लॉस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तब ध्यान ही सुनिएगा, है ना? ठीक, जगह और कम पड़ रही है ना, लिख लिया ना आप सबने? पोज करके लिख लो भैया, पहले पोज कर लो, लिख लो, समझ लो, पूरे नोट्स की लिंक भेजूंगा, और उसको क्या कर लेना, क्या करना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है हाँ, और लिख लेना। और मैंने क्या बताया था, लिख रहे हो भी, लिख रहे हो, लिख रहे हो ना? अरे कॉपी खोलना है, कॉन्सेप्ट रजिस्टर, उसको पूरा लिखना है, ठीक। चलिए तो ये नोट कर लो, है ना, ये बना लो, पोज कर लो, हट जाता हूं मैं, है ना, साइड में हट गया, देखो बैठ गया, मैं दिख रहा हूँ क्या, नहीं दिख रहा हूँ, छुप गया हूं मैं, तो लिख लो, नोट कर लो, फ्लो चार्ट बना लो, ठीक है, ये सब बातें क्लियर कर लो, फिर अभी रिवाइज करेंगे अपन, दो मिनट में रिविजन लेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर शेड्यूल रखेंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर रहेंगे, ठीक। अब बात कर रहे हैं हम क्या, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने सर लॉस क्यों लिखा यार, बार बार प्रॉफिट रिड्यूस कर रहे हो, तो जरूरी क्या क्या प्रॉफिट हो, लॉस भी हो सकता है, फिर क्या? देखिए समझिए, इसको मिटा देता हूं मैं, है ना, हाँ चलिए आगे। तो क्या होगा भैया, देखिए क्या होता है कि जैसे तीन पार्टनर है ना, ये तीन पार्टनर अपन ले रहे हैं, है ना, अब उसमें ये जो ये थोड़ा सा जो है ये लाल मुंह वाला है ना, ये इसका मुंह अलग बना देते हैं भैया, ये दोनों, अब ये थोड़ा सा ये क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप में क्या है, एक क्लॉज है, उस क्लॉज के अंडर ये पार्टनर केवल और केवल किसके लिए बना है, प्रॉफिट के लिए बना है,
केवल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ये फीचर है। मान लो कि 120 रुपया अपना प्रॉफिट हुआ, है ना, बराबर वाला पार्टनर है, तो इसको किसने मिलेंगे 40 40 40, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा स्पेशल पार्टनर हो गया भैया, ये क्या बोल रहा है, मैं केवल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। हो सकता है ऐसा, केवल प्रॉफिट, अगर लॉस होगा तो मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा। मान लो 80 रुपए लॉस हो गया अगली बार, ठीक है। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट के अंदर, फीचर के अंदर, अगर ये पार्टनर बना है और इस पार्टनर किस लिए बना है, ओनली फॉर द प्रॉफिट, ओनली फॉर द प्रॉफिट, तो केवल केवल और केवल प्रॉफिट लेगा, लॉस में बोलेगा कि तुम दोनों बांट लो, तुम जानो तुम्हारा काम जानो, मुझे कुछ नहीं पता है। क्योंकि ये पार्टनर बना है किसके लिए, किसके लिए बना है, 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 केवल प्रॉफिट के लिए। इसलिए फीचर में लिखा है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखा है। क्या लिखा है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही बना है पार्टनर। तो प्रॉफिट होगा तो ये ले लेगा, लॉस होगा तो बोलेगा भैया तुम दोनों बांट लो, मैं तो पार्टनर बनाऊ केवल किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। समझ में आया, ठीक है, अच्छे से। चलिए भैया, तो अब बात करते हैं कैपिटल एंड एफर्ट्स। तो सिंपल सी बात है, अगर जॉइंट हैंड्स करेंगे, है ना, तो खाली हाथ तो ज्वाइन करेंगे नहीं, एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे भैया, कैपिटल। तो दूसरा फीचर क्या होगा कि पार्टनरशिप में आपको कैपिटल लगाना पड़ेगा और एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो ये 5 फीचर्स है, ठीक है। नोट्स में और भी आपको मिलेंगे, 2-3 और लिखे हुए होंगे, है ना, जो इजी है, है ना, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है। इसके अलावा भी जब नोट्स आपको मिल जाएगा और डाउनलोड कर लोगे तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, दूसरे फीचर्स में डिस्कस कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 3 मार्क के लिए सफिशियंट है। तो ले फ्लो चार्ट बनाना और 1 by 1 इसको A1 में आपको 2-2 लाइन में क्या करना, एक्सप्लेन करना। आई बात समझ में, तब जाकर आपको पूरे 3 मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में, चलिए अब आगे बढ़े, है ना। थोड़ा सा ये अभी हम अभी पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप के फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं, है ना। एक और आप ले सकते हो, 6 लेना हो तो एक और है एग्रीमेंट। बिना एग्रीमेंट कोई काम नहीं होगा, है ना, ठीक है। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जैसे कैसे होता है एग्रीमेंट, छोटी सी बात बोल रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल। जैसे हम जब मैं छोटा था ना, तो मैं जब स्कूल में पढ़ता था, है ना, तो जब रिजल्ट आता था तो मेरे पापा मेरे को क्या बोलते थे, बेटा पहला नंबर आएगा ना क्लास में तो साइकिल दिलवाऊंगा। क्या दिलवाऊंगा, मेरे को क्या बोलते थे मेरे पापा, कि पहला नंबर आएगा क्लास में, ठीक है, तो क्या दिलवाऊंगा, साइकिल। तो मतलब पापा कि आप क्या करो, मुझे लिखित में दे दो। बोलते नहीं, बोलते बोलते ना, चल लिखित में देते, है ना। तो मैं बोलता पापा लिखित में दे दो, उस समय बोलता था, मेरे को नहीं पता था क्या है। जैसे बड़ा हुआ ना तो मेरे को पता चला कि उसको क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं। तो वैसे ही क्या हुआ, मेरे पापा ने मुझे बोला ठीक है, तो पापा है, पापा तो दिलवा ही देंगे, लिखाने की क्या जरूरत है, है ना। तो पापा ने जो बात बोली, क्या हो गई, पत्थर की लकीर हो गई, पहला नंबर आया, साइकिल मिल गई, ठीक है। तो साइकिल मिल गई मुझे, तो वो जो एग्रीमेंट था वो ओरल था, लेकिन किसी और से बात करते हैं तो एग्रीमेंट क्या भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। तो एग्रीमेंट कैन बी ओरल और एग्रीमेंट कैन बी रिटर्न। ये 6th फीचर हो गया, है ना। बिना एग्रीमेंट के काम होगा नहीं, एग्रीमेंट तो होगा ही होगा, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटर्न हो। आगे बात समझ में, क्लियर है। अब इसी एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, अब डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे, तो इसको डिस्कस करेंगे। इतना क्लियर है, तो पहले यहां तक का बच्चों थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो पानी पी लूं मैं, है ना, तो मैं भी पानी उठा लेता हूं, आप भी पानी पी लीजिए, है ना। अब डिस्कस कर लेते हैं, है ना। एक टेबल का अरेंजमेंट करना पड़ेगा अपने को, है ना। कहां से चालू किए थे भैया, यहां से सर। पार्टनरशिप का मतलब बताया आपने पहले मुझे, क्या बताया, एक पर्सन जब दूसरे पर्सन से क्या कर रहे हैं, हैंड्स ज्वाइन कर लेता है। कौन सा सेक्शन, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु आर एग्री टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट ऑफ सच बिजनेस विच कैरीड बाय वन और ऑल। इसको हम डिस्कस करेंगे, मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। फिर मैंने बताया अपने वर्ड्स में अगर डेफिनेशन लिखनी हो, तो अपन ने क्या बोला था कि व्हेन टू और मोर देन टू पर्संस
आर एग्री टू डू अ लॉफुल बिजनेस बाय एम्प्लॉइंग कैपिटल एंड एफर्ट्स एंड एग्री टू डिस्ट्रीब्यूट सर्टेन प्रॉफिट इन सर्टेन रेशियो देन होल रिलेशनशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप। कम से कम दो पर्सन जब क्या करते हैं आपसी सहमति से क्या करते हैं बिजनेस स्टार्ट करते हैं कौन सा लॉफुल बिजनेस और म्यूचुअल रिलेशनशिप से प्रॉफिट को क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर्टेन रेशो में तो उनके बीच जो रिलेशनशिप होगा उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप। ठीक है तो सर पार्टनरशिप बोल रहे हो तो बार बार तो पर्सन को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो भैया जो इंडिविजुअल होगा उसको हम क्या बोलेंगे पार्टनर बोलेंगे बहुत बढ़िया और कलेक्टिवली उनको क्या बोलेंगे फर्म बोलेंगे। ठीक और किसी फर्म के अंदर वर्क करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे नेम ऑफ द फर्म। तो फीचर्स देख लिए टू और मोर देन टू पर्सन मैक्सिमम कितने होंगे 50। लॉफुल बिजनेस समझ में आ गया म्यूचुअल एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये पर्सन जो होता है पार्टनर जो होता है वो दो रोल प्ले करता है प्रिंसिपल भी हो सकता है एजेंट भी हो सकता है। ठीक है प्रिंसिपल एजेंट का मतलब क्या होता है कि जो वर्क अलॉट करता है वो प्रिंसिपल और जो वर्क करता है वो एजेंट। तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिना वर्क भी कर सकता है। मान लो ये पार्टनर बीमार हो गया तो वर्क किसको दे दिया इसको दे दिया तो इस पर ये पर्सन क्या करेगा वर्क करेगा तो ये वाला पर्सन इसके लिए क्या हो जाएगा एजेंट और ये खुद क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक फीचर्स हमने देखी है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया कि कोई केवल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है कॉन्सेप्ट है तो इसलिए जो पार्टनर हो सकता है केवल प्रॉफिट के लिए हो सकता है तो वो बोलेगा कि भैया मैं केवल पार्टनर के लिए हूं प्रॉफिट के लिए तो हो सकता है तो केवल क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट। जब लॉस की बारी आएगी तो क्या बोलेगा मैं पार्टनर तो प्रॉफिट के लिए बना हूं है ना ऐसा ना बना हूं तो क्या करेगा फिर बोलेगा लॉस तुम बांट लो है ना देखो कोई मतलब नहीं है आगे और इसमें ठीक कॉन्सेप्ट आएगा आगे जैसे जैसे स्टडी करेंगे तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन फिर कैपिटल लगाना पड़ेगा है ना क्यों बच्चों लगाना पड़ेगा ना तभी तो करेंगे ना व्यापार तभी तो करेंगे ना बिजनेस एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। छठवां फीचर क्या आया एग्रीमेंट है ना गली दिलवा देंगे ये कर लेंगे पहला नंबर आ जाओ ठीक है यहाँ घूमने चलेंगे घूमने मत जाना भैया अभी हाँ ठीक हाँ तो एग्रीमेंट घर में रहो पढ़ो ठीक तो एग्रीमेंट क्या हो सकता है पापा ने बोला मम्मी ने बोला तो दिलवा ही देंगे यार उनसे रिटर्न में क्या लेना तो औरत ठीक है अब लिखित बोलते हैं ना लिखित में दे चल दोस्त बोलता है ना कि ऐसा मैं कर दूंगा बोलते चल लिखित में दे दे तो उसको अपन क्या बोलेंगे रिटर्न। तो एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न इसको फर्दर और अपन स्टडी करने वाले हैं। तो पूरा लिख लिया आपने कौन से रजिस्टर में पूरा पूरा का पूरा लिखा हाँ पूरा लिख लिया ना चलिए ठीक है। तो इस जो सेक्शन था आज हमारा उसमें हमने पार्टनरशिप पर्सन पार्टनर कौन है ठीक है कौन एजेंट है कौन प्रिंसिपल होगा फर्म क्या है नेम ऑफ द फर्म क्या होगा फीचर्स क्या होंगे टोटल डिस्कशन कर लिया। अब इसमें से जो मार्किंग है कितने मार्क का आ सकता है भैया 1 मार्क का पार्टनरशिप का डेफिनेशन आ सकता है 3 मार्क में आया तो जो मैंने एलिमेंट डेफिनेशन था ये और उसको एलिमेंट करके आपको लिखना है ठीक है। फीचर्स आए थे 6 फीचर्स है 5 क्वेश्चन भी लिख सकते हो आप ठीक है उसको एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया ठीक है। पर्सन कौन है एजेंट कौन है सेक्शन कौन सा अप्लाई होता है और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा 32 ये सब 1 मार्क में आ सकता है 3 मार्क में आ सकता है ठीक है।